नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 1 मई से 7 मई तक का सप्ताह कैसा बीतेगा? तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस सप्ताह में तो स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं। चंद्रमा आपके शुरुआती दिन 1 मई को चंद्रमा सिंह राशि का रहेगा। सिंह राशि का चंद्रमा आपके राशि स्थान से तीसरे भाव में गोचर करेगा। तो अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन अच्छा करने का समय है, उनके साथ समय बिताने का समय है और आप आगे आने वाले समय के लिए कोई छोटी दूरी की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपनी जो कोई पेंडिंग यात्रा अगर आपको रखनी है आगे के लिए, तो वो आप आगे के लिए प्लान करके अभी से रख सकते हैं कि किस दिन आपको कहाँ जाना है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए अभी योग बन सकते हैं पर आप जा नहीं सकेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए 2 और 3 मई को, तो चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। कन्या राशि में ट्रांजिट यहाँ पर माता जी से आपको पूरा पूरा सहयोग दिलाएगा। उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, माता जी से आपका लगाव बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपके घर पर खुशियों का माहौल रहेगा, सुख शांति रहेगी, घर में काफी एक आनंद आप महसूस कर पाएंगे, घर के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। जो जातक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है 2 और 3 मई को, वो अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपका, अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो उस पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा 2 और 3 मई को। तो कुल मिलाकर ये समय काफी अच्छा रहने वाला है 2 और 3 को, बेहतरीन ये आपके लिए समय रहेगा। 3 और 4 की अगर बात की जाए, 3 और 4 मई को, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे। ये यहाँ पर चंद्रमा तुला राशि के रहेंगे। तुला राशि के चंद्रमा यहाँ पर पंचम भाव में रहने से प्रेम संबंधों में सफलता दिलाएंगे। संतान पक्ष की कोई चिंता थी तो वो अब आपकी दूर हो जाएगी। साथ में संतान के साथ आपका लगाव बढ़ेगा, उनके साथ आप बातचीत अच्छे से कर पाएंगे, उनके साथ आप अपने विचार साझा कर पाएंगे। अपनी संतान को लेके आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो इस समय आप ले सकते हैं। अगर आप कोई अपना स्कूल या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहने वाला है। साथ ही अगर आप आर्टिस्ट हैं या कोई शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या कोई स्टेज परफॉर्मेंस, ड्रामा वगैरह कुछ करते हैं, तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इस दौरान आपको कोई नए दोस्त भी मिल सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली फ़ायदा करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए 6 और 7 मई को, तो चंद्रमा आपके छठे भाव में ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक राशि में। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और नीच के जैसे ही चंद्रमा होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे देंगे, मानसिक रूप से अस्थिरता, मानसिक रूप से परेशानी दे देंगे, पैसे का व्यर्थ में नष्ट हो जाना, खर्च हो जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप किसी के साथ ना पड़े, साथ ही कोई विवाद है तो उसको आप निपटाने की कोशिश जरूर करें, बातों से विवादों को आप निपटा सकते हैं। साथ में आप किसी से पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अपनी सेहत को लेकर आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन रही हैं, स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति ज्यादा हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का भी आप पूरा पूरा ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए अभी आपको शुभ अंक और रंग और बता देते हैं। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा पीला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।